गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के 12 जनपद रोड पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ बुधवार को बैठक की। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं को तलाशने को लेकर बनी कमेटी के चेयरमैन रामनाथ कोविंद हैं, वहीं इस समिति के सदस्य अमित शाह भी हैं। कोविंद और शाह की मुलाकात के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। दरअसल केंद्र सरकार ने शनिवार को कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के गठन का नोटिफिकेशन जारी किया था। कमेटी के सदस्य गृह मंत्री अमित शाह के अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवी, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप, एनके सिंह, पूर्व सीवीसी संजय कोठारी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यपाल में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने बाद में समिति का हिस्सा बनने से मना कर दिया था। सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर गौर करने और जल्द से जल्द सिफारिश देने के लिए कमेटी गठित की है। कमेटी संविधान, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और किसी भी अन्य कानून और नियमों की पड़ताल करेगी, साथ ही विशिष्ट संसाधनों की सिफारिश करेगी, क्योंकि एक साथ चुनाव कराने के उद्देश्य से इसमें संशोधन की आवश्यकता होगी। समिति इस बात की भी पड़ताल और सिफारिश करेगी कि क्या संविधान में संशोधन के राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। ये सब तमाम मुद्दों पर चर्चा भी होगी और जितने भी बड़े जनप्रतिनिधि हैं इस टीम में वो सभी गहन मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। इस खबर पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।